Assalamu alaikum everyone, this is me Shehroz Sabzwari and welcome to another exciting episode of Watch Shikari with Shehroz Sabzwari. I love how that rhymes. Thank you my content team, you guys are amazing. शिकार, ठीक है जी। जब आपको जानवर का शिकार करना होता है, आप जाते हो जंगल में, ठीक है। हालत और हुलिया तो मैंने अपना ऐसा बना लिया है कि मैं किसी जंगल में इस वक्त जाके शिकार करूंगा, लेकिन मैं हूं वॉच शिकारी, घड़ियों का शिकारी। तो घड़ियों के शिकार के लिए मुझे घड़ियों के जंगल में जाना पड़ेगा, और पूरे पाकिस्तान में घड़ियों का जंगल सिर्फ एक ही जगह है, आपके प्यारे और मेरे प्यारे कराची शहर की सैबुनिसा स्ट्रीट। यस, आई एम स्टैंडिंग राइट हियर, कराची सदर सैबुनिसा स्ट्रीट, जिसको घड़ियों की स्ट्रीट भी कहते हैं। यहाँ पे हर घड़ी आपको मिलेगी, नई पुरानी, कलेक्टर्स, विंटेज। मैं कहता हूं आपको ये घड़ियों का अम्यूजमेंट पार्क है। मेरे लिए तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रीट है, इसको सैबुनिसा स्ट्रीट कहते हैं। ये घड़ियों का जंगल है और आज आपका वॉच शिकारी यहाँ पे एक विंटेज घड़ी का शिकार करेगा। आए मेरे साथ, लेट्स फाइंड अ ब्यूटीफुल विंटेज वॉच, कम ऑन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी, खैरियत से? अच्छा, हम ढूंढने आए हैं कोई विंटेज घड़ी जिसे कहते हैं। विंटेज घड़ी मैं आपको बताता हूँ, ये है 1978 का, इसका गारंटी कार्ड 1978 कितना हो गया, 1978 राडो। ये ऑटोमेटिक है कि क्वार्ट्ज है? ऑटोमेटिक है, कलरी है, माय गॉड, स्टील राडो है, वॉयेजर, और ऑथेंटिसिटी कार्ड भी है जी। दिखाओ, वाओ, लुक एट दैट, इंटरनेशनल गारंटी राडो वॉच, अभी तक इसका स्टील बिल्कुल सेट है। ओए होए होए, और क्या प्राइस? 20,000 रुपए की, फुल स्टील और बिल्कुल मिंट कंडीशन है, अंदर पार्ट्स वगैरह सब ओरिजिनल है, बॉक्स भी है। अच्छा, बॉक्स भी ओरिजिनल है, उस वक्त का या ना करें। लुक एट दिस, ये बात होती है इसके लिए की सैबुनिसा स्ट्रीट आप आए। पहली दुकान के अंदर मैं आया हूँ, मैंने कहा मैं विंटेज घड़ी के आज शिकार पे निकला हूँ, पर मुझे एक राडो वॉयेजर 1978 राडो वॉयेजर मिल रही है यहाँ पे। एंड प्राइस क्या बता रहे हैं? 20,000 रुपए ये कह रहे हैं। कमी पेशी होगी या नहीं? कमी पेशी भी हो जाएगी। 20,000 मतलब डॉलर्स में हो गया ये $100 आजकल के $100 हो गए ये तो। और ये अभी देखे मैंने चलाई है, ओमेगा ऑटोमेटिक सी मास्टर कॉस्मिक, और क्या सन है इसका? 1965। लुक एट द ब्रेसलेट, ये मेरी अपनी मैंने पहनी हुई है, और आप इसको देखें, इट्स अ सी मास्टर। और क्या प्राइस मिल रही है मुझे? 65। इसका डब्बा शब्बा नहीं है ना? इसका डब्बा शब्बा नहीं है, लेकिन क्या घड़ी है। ओफ, ये देखें, ये देखें, हाथ में पता चल रहा है कि कुछ पहना हुआ है, ब्यूटीफुल। तो गाइज, देखा आपने, इस बंदे ने मुझे तीन ओमेगा की घड़ियां दिखाई हैं, एक राडो, और 1965 1954 से तो कम बात ही नहीं हो रही। एंड विंटेज हम ढूंढने आए हैं, हर दुकान पे एक ना एक कमाल विंटेज घड़ी पड़ी है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं एक गली ऐसी जानता हूँ जहाँ पे एंटीक घड़ियां हैं। मैं आप लोगों को उस गली में अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। थोड़ी सी तंग है वो गली, लेकिन उस तंग गली में घुस के जो आपको एंटीक घड़ियां नजर आएंगी, इट विल बी वर्थ योर टाइम एंड माय टाइम। लेट्स गो, वो देखें, लुक एट दैट, मां मेहरान मार्केट लिखा है। ये दांतों, डेंटिस्ट्री और दांतों के बीच में छुपी हुई एक एंटीक घड़ियों की गली है। आइए ये देखें, ये देखें, लुक एट दिस, घड़ियां ही घड़ियां, घड़ियां ही घड़ियां, ये देखें, ओ माय गॉड, ओ ओके गाइस, सो बहुत एक कमाल चीज हाथ में आ गई। इट्स अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच फ्रॉम हॉयर। हॉयर वो ब्रांड है जिसको अब लोग टैग हॉयर कहते हैं, वो टैग तो उसके साथ बाद में जुड़ा, असल ब्रांड हॉयर था।
और ये उसका बहुत पुराना, सलीम भाई कितना पुराना हो गया ये? तकरीबन एक ईयर। अस्सलाम वालेकुम शाहजी साहब, कैसे हैं? क्या कहानी है इस रोलेक्स की, ये उठा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल उठा सकते हैं। Look at that, oh my god, इसका अपना डब्बा है? शुरू में आता था रोलेक्स का। Oh my, this is authentic विंटेज रोलेक्स बॉक्स जो शुरू में 1970s 60s एंड के वक्त ये ओरिजिनल डब्बा आता था, और ये इस डब्बा समेत इन्होंने खरीदी है या सही होने आई है? खरीद ली है। वाओ बहुत आला। अब आप मुझे बताएं कि क्या हो रहा है, क्या करने आई है ये घड़ी? ये ऑयस्टर ब्रेसलेट है जी, ऑयस्टर है, मैंने अभी इसको खोला है, अभी ठीक खोला, ये खुली नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बंद नहीं है अभी तक, कभी नहीं खुली है ये, नहीं बंदे ने कभी सर्विस भी नहीं कराई है, नहीं कराई। अच्छा अच्छा अच्छा, पड़ी थी बहरीन में, उन्होंने ली थी बहरीन में। ओके ओके, सो गाइज बहरीन से इन्होंने ये खरीदी है। सो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू गाइज कि ये जंगल है, अगर घड़ियों का शिकार करना है तो सिर्फ ज़ेबुनिसा स्ट्रीट पे आना है। आया हूं मैं यहाँ पे चौथी दुकान पे आया हूँ और हमें रोलेक्स नजर आ गई है विंटेज, कैन यू इमेजिन? एंड शाहजी साहब मुझे इसकी जरा साल बताएंगे कौन सा है? ये 70 के लगभग है। अच्छा शाहजी साहब आपने क्या पहना हुआ है? मैंने आपकी घड़ी देखी, मैंने कहा आपसे पूछूंगा जरूर। प्यूर स्टील एंड गोल्ड पहना हुआ है। ओए होए होए, लुक एट दैट गाइस, ही इज वेयरिंग द हाइड्रोनॉट, दिस इज द ट्यूडर, ट्यूडर हाइड्रोनॉट, ये ट्यूडर की डाइवर वॉच है, सही कह रहा हूं? ये डाइविंग वॉच है ट्यूडर की। और अभी हमारे बात करते करते पेप्सी इनके हाथ में है स्टील, बिल्कुल बिल्कुल, इसको तो ये तो मिलती ही नहीं है सर। नाइस नाइस नाइस, दिस इज द पेप्सी जीएमटी मास्टर 2, इट्स ऑन द स्टील ब्रेसलेट, ये सबसे सॉट आफ्टर रोलेक्स की अभी घड़ी है, जो आपको अभी अगर आप फुल पेमेंट भी कर दो तो कितने साल बाद मिल रही है? सालों के बाद, दो साल ढाई साल बाद आपको फुल पेमेंट के बाद मिलती है। एंड ये यहाँ पे ज़ेबुनिसा स्ट्रीट में अभी अभी शाहजी साहब के पास आई है, यानी शाहजी साहब अभी खोली है मैंने आपके। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये देखिए मैंने कहा था ना आपको इसके अंदर फन लिखा हुआ होगा, सन पढ़े जरा इसका, ये तो कमाल पीस है बॉस। ओए होए 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 होए, पहला महीना 1964, बहुत कम घड़ी आई है जिसमें स्टील का बैक आया है, बहुत कम घड़ी है जिसमें स्टील का बैक है और गोल्ड का। अच्छा गोल्ड का केस है विद स्टील बैक, ओके। और कौन सा ब्रांड है? ये ब्रांड है रोलेक्स, ये रोल, ये बबल बैग है, बबल बैग है, फुल बबल, जिससे डैमेज नजर ही नहीं आता इसका। गाइस दिस इज एन ओरिजिनल रोलेक्स बबल बैग, देयर इज अ कलेक्टर इन अमेरिका, अब मैं उसका नाम भूल गया हूँ, दे हैव कवर्ड दैट ऑन अ ह्यूज चैनल, रोलेक्स वॉच कंपनी, बहुत पहले दौर में वो लिखा हुआ है इस पे, इट्स कॉल्ड, ये असल बबल बैग्स होती थी जो बबल बैग के नाम से मशहूर थी, रोलेक्स की ये इनमें बनाते थे, तारीखें भी लिख देते थे, रोलेक्स कंपनी ने बनाई। और ये गोल्ड है? जी गोल्ड है, ये गोल्ड है। और क्या है ये बबल बैग है ना, इसको बबल बैग क्यों कहते थे? फुल बबल है ना, मशीन ओए होए होए होए, क्वार्टर भी आती है, हाफ भी आती है, ये फुल बबल, और सही चल रही है। और बाइंडिंग कैसे? बाइंडिंग तो आप चूड़ी खोलेंगे ना, ठीक है, ये चूड़ी है, चूड़ी है, ठीक है, इसको खोलेंगे इसके बाद आप, ठीक है, ओ माय गॉड, इट्स द गाइस, इट्स द ओमेगा कॉन्स्टेलेशन एंड अमेजिंग कंडीशन, क्या कंडीशन है, उफ। और ये वो वाला केस पैक है जब ओमेगा वाटर प्रूफ लिखता था, यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर प्रूफ, जबकि अब घड़ियां सिर्फ वाटर रेजिस्टेंट होती हैं। पुश वाली है ना? ओए ओए, अच्छा पुश वाली है, ये पुश वाली है,
ठीक ओल्ड है मेरी गाइस, दिस इज द विंटेज एयर किंग रोलेक्स। ओह माय गॉड, लुक एट द ब्रेसलेट। ये देखें, इस तरह ब्रेसलेट का पता चल जाता है। हाँ, कंडीशन नहीं गिरी सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। जब आपको घड़ी चेक करनी हो ऐसे बंद करके यूं चेक कर लिया करें कि कितना गिर रही है। तो ये इसके अंदर होती है छोटी छोटी गरारियां जो जब एज के साथ वो घिस जाती हैं और बुरी बुरा यूज करने के साथ घिस जाती हैं, लेकिन ये घड़ी अभी भी कमाल पोजीशन में है। और एयर किंग है, और क्या मूवमेंट है। मैं कहता हूँ ओ माई गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच। इसको मैं पहन के देखूंगा। अपनी ओमेगा को फिलहाल उतार के दोनों बहुत आला शाहजी साहब, ये तो मैं हैरान हो गया हूँ कि आपके पास एयर किंग पड़ी हुई है। ओफ, लुक एट दिस। और अच्छी अच्छी। सो गाइस, मेरी नजरों ने अभी एक घड़ी स्पॉट की है। एक यहाँ पे शख्स है जिनकी रिस्ट पे मैंने वो घड़ी देखी है, तो मैंने कहा मैं रुकूंगा और उनसे पूछूंगा, और वो भी इस मार्केट का हिस्सा है, इस मार्केट में बैठते हैं। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? बिलाल। बिलाल भाई, मैं सिर्फ यहाँ इसलिए रुका क्योंकि मैंने आपकी घड़ी आपके कलाई पे रोलेक्स देखी। ये कौन सी रोलेक्स है, मेरे व्यूअर्स को बताएं। ये रोलेक्स डबल वन की है। कौन सी है? डबल वन। डबल वन, ओके। दिस इज द रोलेक्स डबल वन, इट्स अ न्यू मॉडल डायमंड डायल। ओके, ठीक है। ये स्टील है, स्टील एंड गोल्ड। स्टील एंड गोल्ड, जुबली ब्रेसलेट में। 2017 का मॉडल। ओके ओके ओके। और तो ये आपने पहनी भी है या बेचने का मूड भी है? हाँ, ये खरीदो फरोख्त के लिए है। खरीदो फरोख्त के लिए। मार्केट के हालात इस वक्त कैसे? सही। अब जैसे क्या नाम बताया था आपने? बिलाल भाई, आप बड़ी घड़ियां जैसे एक्सपेंसिव ब्रांड्स होते हैं, रोलेक्स हो गया, ओमेगा हो गया, पैटेक फिलिप हो गया, एपी हो गया, ये आती हैं घड़ियां? जी बिल्कुल आती हैं। आती हैं? हमारे बड़े बड़े क्लाइंट हैं, हमें खरीदो फरोख्त करते हैं। ओके, हम बेचते भी हैं, हमसे लेते भी हैं। कौन सी घड़ियां, कुछ नाम बताएं? रिचर्ड माइल वगैरह। रिचर्ड माइल भी? रिचर्ड माइल भी मैंने बेची है। आपने बेची है? कौन सी वाली? नए मॉडल में बेची, ये 2018 में। ओह माय गॉड गाइस, ही सोल्ड अ रिचर्ड मिल टू अ क्लाइंट। वाओ, सिटिंग इन दिस मार्केट। जो देखें, बात यही है जो मैं सबसे करना चाहता हूं। हम दुनिया की ग्रेज मार्केट में जाते हैं, पोर्टोबेलो मार्केट में जाते हैं। हमें अपनी एक पोर्टोबेलो, हमें अपनी एक ग्रेज मार्केट को बनाना है। एंड थैंक यू बिलाल साहब, मुझे खुशी ये हुई कि आपको इतनी नॉलेज है घड़ियों के बारे में, और आपने घड़ी बहुत खूबसूरत पहनी है। अल्लाह पाक इसको आपको मुबारक करे और आपका कारोबार यहाँ अच्छा चलता रहे। और मैं एक रोलेक्स वाइट डायल भी देख रहा हूँ अंदर पड़ी हुई, जो कि बहुत खूबसूरत है। आई थिंक ये कौन सी है? एक्सप्लोरर 2। जबरदस्त गाइस, रोलेक्स एक्सप्लोरर 2 यहाँ पे पड़ी हुई है ऐसे ही, एंड दिस इज अमेजिंग। थैंक यू सो मच बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस, दिस इज द ज़ेबोनिस्टा वॉच मार्केट। बहुत अच्छी मार्केट है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं एक यहाँ पे एक मुझे प्रॉब्लम भी नजर आई है, वो है फेक वॉच का प्रॉब्लम। घड़ियां इनके पास पड़ी भी हैं, इन्होंने अपनी दराजों में ओरिजिनल घड़ियां रखी भी हैं, लेकिन ऊपर फेक घड़ियां भी हैं। एंड वी हैव टू से नो टू फेक वॉच। फेक वॉच में कोई फ्यूचर नहीं है गाइस। आप पैसा खर्च करते हो, अब तो फेक घड़ी भी लाखों रुपए में मिल रही है। अब वो लाख रुपए खर्च करके उसकी घड़ी की, जिस वक्त वो आपकी कलाई पे आती है, वो घड़ी अपनी वैल्यू छोड़ देती है। अब मैंने इनसे पुरानी घड़ियां निकलवाई, सारी ओरिजिनल्स, ओमेगास, पैटेक, रोलेक्सेस। वो किसी ने जब ली होंगी 1960s या 1970s में, वो $100 की भी नहीं होगी उस वक्त। तो अब आप सोचें कि वो घड़ी मैंने कितने की ली है, ये मैं नहीं बता सकता, बट उसने अभी तक वैल्यू रिटेन की है। सो वी शुड ऑल स्टिक टू रियल वॉचेस, ऑथेंटिक वॉचेस। जब आप वो खरीदते हो, आप घड़ी के साथ जुड़ जाते हो, वो घड़ी आपका इन्वेस्टमेंट बनती है, एक एसेट बनती है। और जो अभी हमारा फॉरेन एक्सचेंज का सारा मसला चल रहा है, अगर हम सारे लोग एक अच्छी ओरिजिनल घड़ी में इन्वेस्ट करने लग जाए तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी सही हो जाएगा, रादर देन वी इन्वेस्ट इन फेक वॉचेस जो खरीदते साथ ही अपनी वैल्यू तोड़ देती हैं। सो बी माइंडफुल ऑफ दैट एंड से नो टू फेक वॉचेस। थैंक यू। ओके गाइस, सो इट्स मी शरोज सब्जारी साइनिंग आउट। आई विल कैच यू गाइस अगेन फॉर अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ वॉच शिकारी विद शरोज सब्जारी। वॉच आउट, स्टे ट्यून्ड टू आवर YouTube चैनल सोनराज ऑफिशियल। सब्सक्राइब टू इट नाउ, लाइक दिस वीडियो एंड रिंग द बेल आइकॉन। सी यू गाइस वेरी सून। थैंक यू।